स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके YouTube चैनल एग्जाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ सेकेंड पार्ट, टॉप जो हमारे 200 क्वेश्चंस हैं फार्मासिस्ट, जो फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए जो हमारा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का, उसका तो फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के जो टॉप 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका ये पार्ट सेकंड है। और शुरू करेंगे हम अपना आज का सेशन, और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है जाकर के हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर। जो हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर होता है तो इसका मतलब क्या होगा जाकर के, हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्ट लॉस ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग हैंडलिंग, इज इम्परवियस टू एयर, इज लाइट रेजिस्टेंट, या प्रिवेंट लॉस ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम इफर्वसेंस। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, तो द राइट आंसर इज इम्परवियस टू एयर, यानी जो हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर होते हैं वो किस तरीके के कंटेनर होते हैं जो एयर को जो है नहीं जाने देंगे इस कंटेनर के अंदर जो प्रोडक्ट होता है उसके पास तक, या कंटेनर के अंदर एयर की एंट्री नहीं होने देंगे, उनको कहते हैं हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हर्मेटिक्स कंटेनर्स, जो हर्मेटिक्स कंटेनर होते हैं उनका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? ओरल सॉल्यूशन के लिए, पाउडर्स के लिए, इंजेक्टेबल्स के लिए, या नन ऑफ द एबव, किसको स्टोर करेंगे? तो द राइट आंसर इज इंजेक्टेबल। ये भी बहुत ही ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर्मेटिक कंटेनर आपका इस्तेमाल किया जाता है इंजेक्टेबल्स को स्टोर करने के लिए। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग कंटेनर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर, देखिए जो मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग कंटेनर होता है उसकी रिक्वायरमेंट किसके लिए होती है? इंजेक्टेबल्स के लिए होगी, ऑइंटमेंट्स के लिए होगी, पाउडर्स के लिए होगी, या एरोसॉल के लिए होगी? द राइट आंसर इज एरोसॉल। जो आपका मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग कंटेनर होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है एरोसॉल के लिए, या एरोसॉल के फॉर्म में जो हम लोग किसी भी मेडिकामेंट को देते हैं उसके लिए होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन, ये जो है आ चुका है आपका रेलवे फार्मासिस्ट में, ठीक है, थोड़ा घुमा फिरा करके पूछा गया था लेकिन ये आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे, फ्लैकिंग इज अ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद कंटेनर मेड ऑफ, देखिए फ्लैकिंग एक प्रॉब्लम होती जो कि एसोसिएटेड होती है किस कंटेनर से, कंटेनर जो कि बना हुआ हो किससे, सोडा लाइम ग्लास से, बोरोसिलिकेट ग्लास से, न्यूट्रल ग्लास से, या नन ऑफ द एबव? तो फ्लैकिंग इज अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू सोडा लाइम ग्लास। देखिए फ्लैकिंग होता क्या ये आप लोग समझ लीजिए, फ्लैकिंग का मतलब होता है अगर हम उस कंटेनर में कोई अपना एक प्रोडक्ट रखते हैं, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट क्या करेगा कि कंटेनर से भी कुछ चीजें रिलीज होंगी, कोई केमिकल रिलीज होगा, और जो हमारा कंटेनर में प्रोडक्ट रखा है वो प्रोडक्ट और जो कंटेनर रिलीज कर देगा उस प्रोडक्ट की वजह से, ठीक है, तो ये दोनों आपस में मिलकर के एक नया प्रोडक्ट बना देंगे जाकर के, और इसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड प्रोडक्ट, ठीक है, तो हाइब्रिड साल्ट बना देगा, हाइब्रिड केमिकल में कन्वर्ट कर देता है कुछ पार्ट को, तो इसी वजह से इसको कह देते हैं, इस समस्या को कह देते हैं फ्लैकिंग, ठीक है, और फ्लैकिंग इज अ प्रॉब्लम जो कि एसोसिएटेड होती है कंटेनर जो कि बना हुआ हो सोडा लाइम ग्लास से। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे, सोडा लाइम ग्लास इज नॉट सुटेबल फॉर पेरेंट्रल सॉल्यूशन बिकॉज, देखिए जो सोडा लाइम ग्लास है वो सुटेबल नहीं होता है पेरेंट्रल सॉल्यूशन के लिए, बिकॉज क्यों, क्योंकि इट इज़ अ मैकेनिकली वीक, इट रिलीज एल्केली इन सॉल्यूशन, इट लूजेज इट ब्रिलियंसी ऑन रिपीटेड यूज, या नन ऑफ द एबव? तो जो सोडा लाइम ग्लास होता है वो सुटेबल नहीं होता है पेरेंट्रल सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि इट रिलीज एल्केली इन सॉल्यूशन, क्योंकि पेरेंट्रल जो सॉल्यूशन होते हैं वो रिलीज कर देते हैं एल्केली किस में, सॉल्यूशन में, सॉरी जो सोडा लाइम ग्लास होता है वो रिलीज कर देता है एल्केली को, कहाँ, जो सॉल्यूशन रखा होता है जो पेरेंट्रल सॉल्यूशन होता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे, सल्फर्ड ग्लास इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडा ग्लास, सोडा लाइम ग्लास, बाय ब्रीदिंग इट्स सरफेस विद, देखिए जो सल्फर्ड ग्लास होता है वो बनाया जाता है सोडा लाइम ग्लास से, जब ब्रीदिंग की जाती है इसकी सरफेस को किसके साथ, सल्फर के साथ, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, सोडियम सल्फेट के साथ, या नन ऑफ द एबव? तो द राइट आंसर इज सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अगर सल्फर्ड ग्लास को प्रिपेयर करना है तो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ ब्रीदिंग की जाएगी किसकी, सोडा ग्लास की, सोडा लाइम ग्लास की, तो आप ये समझ सकते हैं कि सोडा लाइम ग्लास की रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड के साथ करवाई जाएगी तो आपका सल्फर्ड ग्लास बनेगा जाकर के। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे, विच ऑफ दीज इंग्रेडिएंट इज एडेड इन बोरोसिलिकेट ग्लास टू इम्पार्ट केमिकल स्टेबिलिटी एंड हीट रेजिस्टेंस, इनमें से कौन सा एक ऐसा केमिकल है जो कि ऐड किया जाता है बोरोसिलिकेट ग्लास में उसकी केमिकल स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए और उसके हीट रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, बोरिक ऑक्साइड, बोरॉन, कैल्शियम ऑक्साइड, या बेरियम ऑक्साइड। तो द राइट आंसर इज बोरिक ऑक्साइड, यानी बोरिक ऑक्साइड का इस्तेमाल होगा हीट रेजिस्टेंस और केमिकल स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए बोरोसिलिकेट ग्लास की। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे, हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन ग्लास टू चेक, देखिए जो हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस टेस्ट होता है इसको परफॉर्म किया जाता है ग्लास में
क्या चेक करने के लिए, किसी भी ग्लास में हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस टेस्ट का इस्तेमाल क्या क्या चेक करने के लिए किया जाता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ को, लिब्रेशन ऑफ एल्कली को, लॉस ऑफ ब्रिलियंसी को, या लॉस ऑफ ब्रिलियंसी को, या नन ऑफ द अबव? तो द राइट आंसर लिब्रेशन ऑफ एल्कली। मतलब क्या ऐसा तो नहीं कि इसमें से एल्कली लिब्रेट हो रहा हो, यानी एल्कली जो है इससे निकल रहा हो, किससे? हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस टेस्ट। इसीलिए हम लोग हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं ग्लास में, यानी ग्लास से। ऐसा तो नहीं कि ग्लास में अगर हम लोगों ने अपना प्रोडक्ट डाल दिया और उस ग्लास ने उस प्रोडक्ट की वजह से लिब्रेट कर दिया एल्कली को, ठीक है, तो इससे क्या दिक्कत होगी? वही दिक्कत आएगी जाकर के, हाइब्रिड प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन ग्लास टू चेक द लिब्रेशन ऑफ एल्कली। बनेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इन एरोसॉल रेगुलेशन ऑफ डोज इज कंसर्न्ड विद। एरोसॉल में जो एरोसॉल टाइप की जो हमारी पैकेजिंग होती है उसमें जो डोज होता है, डोज हमारा, डोज का रेगुलेशन किससे जुड़ा हुआ होता है, किसकी वजह से डोज का रेगुलेशन होता है? एक्चुएटर से, प्रोपेलेंट से, मिट्रीड वॉल्व से, या डिप ट्यूब से? तो द राइट आंसर इज मिट्रीड वॉल्व, यानी आई, यहाँ पे आप इसको कट कर लीजिएगा, आई जो है कट कर लीजिएगा, आप ये लिख लीजिएगा METERED, मीटर्ड वॉल्व, ठीक है। तो मीटर्ड वॉल्व जो है राइट आंसर होगा। एरोसॉल, इन एरोसॉल रेगुलेशन ऑफ डोज इज कंसर्न्ड विद मीटर्ड वॉल्व। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इन एरोसॉल डिप ट्यूब इज यूजली मेड ऑफ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एरोसॉल में जो डिप ट्यूब होती है वो किसकी बनी हुई होती है? पॉलीएमाइड्स की, पॉलीप्रोपाइलिन की, मेटल की, या नियोप्रीन की? तो द राइट आंसर इज पॉलीप्रोपाइलिन। पॉलीप्रोपाइलिन की बनी हुई होती है डिप ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। एम्प्यूल्स जनरली कंटेन, जो एम्प्यूल होते हैं वो जनरली क्या कंटेन करते हैं? सिंगल डोज पेरेंटल प्रोडक्ट, मल्टीपल डोज पेरेंटल प्रोडक्ट, टू और थ्री डोज, या नन ऑफ द अबव? तो ये आप सभी लोग जानते हैं कि जो एम्प्यूल होता है वो सिंगल डोज ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट जो है कैरी करता है, सिंगल डोज ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट उसमें जो है हम लोग रखते हैं, वायल में मल्टीपल डोज होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे। ट्रांसफ्यूजन बॉटल्स आर मेड ऑफ, जो ट्रांसफ्यूजन की बॉटल्स होती हैं, जो ट्रांसफ्यूजन बॉटल्स होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? न्यूट्रल ग्लास की, बोरोसिलिकेट ग्लास की, सल्फर्ड ग्लास की, या सोडा लाइम ग्लास की? तो द राइट आंसर इज ट्रांसफ्यूजन बॉटल्स आर मेड ऑफ बोरोसिलिकेट ग्लास। बोरोसिलिकेट ग्लास की बनी हुई होती हैं ट्रांसफ्यूजन बॉटल्स, ठीक है। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। प्लास्टिसाइजर्स आर एडेड इन प्लास्टिक टू प्रोवाइड। देखिए जो प्लास्टिसाइजर्स होते हैं प्लास्टिक्स में वो क्या प्रोवाइड करवाते हैं? प्लास्टिक में प्लास्टिसाइजर भी होते हैं तो प्लास्टिक को क्या प्रोवाइड करवाएंगे? फ्लेक्सिबिलिटी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, हीट स्टेबिलिटी, या नन ऑफ द अबव? तो द राइट आंसर इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी जो है प्रोवाइड करवाते हैं प्लास्टिसाइजर प्लास्टिक को। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे। मोह स्केल इज रिलेटेड विद। देखिए जो मोह स्केल होता है वो किससे रिलेटेड होता है? हार्डनेस ऑफ मटेरियल, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मटेरियल, स्टिकनेस ऑफ मटेरियल, या बल्क डेंसिटी? तो द राइट आंसर इज हार्डनेस ऑफ मटेरियल। मोह स्केल इज रिलेटेड विद हार्डनेस ऑफ मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे। डिक्रीज इन पार्टिकल साइज इज एसोसिएटेड विद। डिक्रीज इन पार्टिकल साइज, अगर पार्टिकल साइज डिक्रीज होता है तो वो क्या करेगा जाकर के, किससे एसोसिएट होगा? इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड पार्टिकल, डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड पार्टिकल, नो इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड पार्टिकल, या नन? तो द राइट आंसर इज अगर डिक्रीज होगा पार्टिकल साइज तो इंक्रीज होगा उस पार्टिकल साइज की सॉल्युबिलिटी, ठीक है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। उसके पहले दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एम्प्यूल्स इज यूजली मेड ऑफ। देखिए जो एम्प्यूल्स होते हैं, एम्प्यूल्स वो किसके बने हुए होते हैं यूजली, यानी सामान्यता? न्यूट्रल बोरोसिलिकेट ग्लास के, न्यूट्रल ग्लास के, सोडा ग्लास के, या सिलिकन ट्रीटेड ग्लास के? तो जो एम्प्यूल्स होते हैं, एम्प्यूल्स और वायल्स तो होते हैं, एम्प्यूल्स होता है सिंगल डोज, तो ये जो बना हुआ होता है न्यूट्रल ग्लास का। एम्प्यूल्स इज यूजली मेड ऑफ न्यूट्रल ग्लास। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। फेरस ऑक्साइड इज एडेड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास कंटेनर टू मेक। देखिए जो फेरस ऑक्साइड होता है उसको ऐड कर दिया जाता है, फेरस ऑक्साइड को ऐड किया जाता है कब? जब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो हम लोग ग्लास कंटेनर टू मेक, मतलब किसी भी तरीके का ग्लास कंटेनर अगर हम लोग बना रहे हैं तो उसमें फेरस ऑक्साइड डालते हैं। क्यों डालते हैं? एल्कली रेजिस्टेंस कंटेनर करने के लिए, इजी मोल्डेबल ग्लास के लिए, कलर्ड ग्लास सुटेबल फॉर लाइट सेंसिटिव ड्रग, या नन ऑफ द अबव? तो जो हम लोग फेरस ऑक्साइड डालते हैं किसी भी ग्लास कंटेनर को बनाते समय, वो इसलिए डालते हैं क्योंकि कलर्ड ग्लास बनाना होता है जो कि सुटेबल हो लाइट सेंसिटिव ड्रग के लिए। ऐसी ड्रग जो लाइट में सेंसिटिव हो, प्रकाश के लिए, प्रकाश में वो डिग्रेड होने का खतरा होता है, उसके लिए जो है हम लोग डालते हैं फेरस ऑक्साइड, क्योंकि हमारा जो कंटेनर हो जाएगा वो कलरफुल हो जाएगा और उसमें डायरेक्ट लाइट जो है सनलाइट नहीं पहुँचेगी। तो प्लास्टिक कंटेनर इज नॉट सुटेबल बिकॉज, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि प्लास्टिक कंटेनर इज नॉट सुटेबल बिकॉज, प्लास्टिक कंटेनर सुटेबल नहीं होते क्यों? दे आर परमिएबल टू गैसेस, सम एडिटिव में लीच आउट फ्रॉम प्लास्टिक, इट में एब्जॉर्ब सर्टेन इंग्रेडिएंट फ्रॉम प्रोडक्ट, या ऑल ऑफ द अबव?
तो द राइट आंसर इज़ ऑल ऑफ द एबव। देखिए जो प्लास्टिक कंटेनर होते हैं उनमें ये सारी जो है डिसएडवांटेज हैं, आप कभी भी प्लास्टिक कंटेनर के डिसएडवांटेज पढ़ लीजिएगा खोल करके बुक, तो उसमें ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि दे आर परमिएबल टू गैसेस, ये गैसों को भी हो सकता है कि गैसों को एंट्री करवा दें प्रोडक्ट के अंदर, या सम एडिटिव में लीच आउट फ्रॉम प्लास्टिक, या हो सकता है कि कुछ एडिटिव प्लास्टिक से लीच आउट हो जाएँ, या इट में एड्जॉर्ब सर्टन इन्ग्रीडियंट, हो सकता है ये कुछ इन्ग्रीडियंट्स को एड्जॉर्ब कर ले फ्रॉम द प्रोडक्ट प्रोडक्ट से, ठीक है। तो ये सारे ही डिसएडवांटेज होते हैं प्लास्टिक कंटेनर के। विच वन ऑफ दिस इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, देखिए थर्मोसेट प्लास्टिक, थर्मोसेट प्लास्टिक का जो क्वेश्चन है वो आपका आरआरबी फार्मासिस्ट में आ चुका है। पॉलीएमाइड्स, पीवीसी, फिनॉल फॉर्मेलडिहाइड या पॉलीस्टाइरिन, तो जो आपका बना होता है थर्मोसेट प्लास्टिक वो बनता है जाकर के फिनॉल फॉर्मेलडिहाइड से, फिनॉल फॉर्मेलडिहाइड से बना हुआ होता है आपका थर्मोसेट प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलेंगे। विच वन ऑफ दीज मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड फॉर क्लोजर, इनमें से कौन सा एक ऐसा मटेरियल है जो क्लोजर्स को बनाने के लिए हेल्प करता है, रबर, मेटल, ग्लास या प्लास्टिक। द राइट आंसर इज रबर। देखिए क्लोजर होता क्या आप सभी लोग जानते हैं, देखिए जो कांच की बॉटल आती है इंजेक्शन की आपकी, इस तरीके से जो बॉटल आती हैं इंजेक्शन की, कांच की बॉटल, तो इसमें इस जगह पे जो है एक रबड़ का लगा हुआ होता है, बंद ढक्कन होता है रबड़ का, उसी को कहते हैं क्लोजर, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि ये किसका बना हुआ था, तो रबड़ का ही तो होता है क्लोजर, जैसे कि आपका जो मोनोसेफ इंजेक्शन आता है सिफ्रेक्सोन करके, ठीक है, कुछ इंजेक्शन आते हैं जिनको ड्राई फॉर्म में दिया जाता है और साथ में डिस्टिल वाटर होता है, ठीक है। और वो चूंकि इसलिए दिया जाता है क्योंकि स्टेबल नहीं होता है, अगर उसको जो है घोल करके दे देंगे तो वो धीरे धीरे डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कंटेनर होता है इसके ऊपर क्या लगा होता है, रबर का लगा होता है क्लोजर, ठीक है, इसी की बात हो रही थी। विच वन ऑफ दीज इज यूज एज इन वल्कनाइजिंग एजेंट इन रबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जहाँ तक ये क्वेश्चन आपका रेलवे फार्मासिस्ट में आया हुआ है, ठीक है, क्योंकि उसके दो पेपर हुए थे दो दिन। तो वल्कनाइजिंग एजेंट की तरह रबर में क्या इस्तेमाल किया जाता है, जिंक ऑक्साइड, सल्फर, कैल्शियम कार्बोनेट या जिंक स्टेरेट, तो द राइट आंसर इज सल्फर। सल्फर एक्ट एज अ वल्कनाइजिंग एजेंट इन रबर, और कितने 1-2%, 1-2% सल्फर का इस्तेमाल होता है वल्कनाइजिंग एजेंट के रूप में जब हम लोग डालते हैं। तो ग्लास कंटेनर शुड कॉम्प्लाई विद, देखिए जो ग्लास कंटेनर है उन्हें कॉम्प्लाई होना चाहिए किसके साथ, लीकेज टेस्ट, हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस टेस्ट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ या नन, तो द राइट आंसर इज हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस टेस्ट। तो जो ग्लास कंटेनर है should comply with the hydrolytic resistance test. 23 number of question पे चलेंगे। Which one of these mill is used for size reduction of fibrous material? कह रहा है इनमें से कौन सा, देखिए मिल के बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं, हो सकता है आपको आते भी हो, लेकिन क्वेश्चन आता है तो मैं इनको करवाऊंगा जरूर, क्योंकि ये टॉप 200 क्वेश्चन हैं, हो सकता है आपको आता हो, कोई बिगनर आने वाला हो, कोई बिगनर स्टूडेंट हो, वो कहाँ से पढ़ेगा, ठीक है, तो उसके लिए तो मुझे करवाना ही पड़ेगा। रिडक्शन ऑफ फाइब्रस मटेरियल को हम लोग किस तरीके से रिड्यूस करते हैं, रोलर मिल, हैमर मिल, कटर मिल या बॉल मिल, तो द राइट आंसर इज कटर मिल। कटर मिल का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो जो है फाइब्रस मटेरियल को आप साइज रिड्यूस्ड कर पाएंगे, साइज रिडक्शन कर पाएंगे, ठीक है। फिर बढ़ेंगे 24 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। आउटपुट ऑफ साइज रिड्यूसिंग मशीन इज रिलेटेड टू, आउटपुट जो होता है साइज रिड्यूसिंग मशीन का वो किससे रिलेटेड होता है, बल्क डेंसिटी से, रेशियो ऑफ फीड साइज टू प्रोड्यूस्ड टू प्रोडक्ट साइज या टेम्परेचर या नन ऑफ द एबव, तो द राइट आंसर इज बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी से रिलेटेड होता है आउटपुट ऑफ साइज रिड्यूसिंग मशीन का, ठीक है, जो साइज रिड्यूसिंग मशीन का आउटपुट होता है वो बल्क डेंसिटी से रिलेटेड होता है। 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। हैमर मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो हैमर मिल होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कटिंग पे, इंपैक्ट पे, एट्रिशन पे या इंपैक्ट एंड एट्रिशन पे, तो द राइट आंसर इज हैमर मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ओनली एंड ओनली इंपैक्ट, जो हैमर मिल होता है वो इंपैक्ट पे काम करता है। हैमर का मतलब हो गया जाकर के एक तरीके से ये हथौड़ा, ठीक है, तो हथौड़ा एक बार पड़ता है तो वो हैमर जो है इंपैक्ट हो गया जाकर के, इंपैक्ट जो है प्रिंसिपल पे काम करेगा। रोलर मिल किस पे काम करेगा, रोलर मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो रोलर मिल होता है वो इंपैक्ट पे काम करेगा, कंप्रेशन पे काम करेगा, एट्रिशन पे काम करेगा या नन ऑफ द एबव, तो द राइट आंसर इज कंप्रेशन, क्योंकि रोलर मिल आपने देखा गन्ने का रस निकालने वाली मशीन देखी है, वो कंप्रेशन पे काम करती है, वो एक तरीके से आपकी रोलर मिल हो गई, ठीक है। बढ़ेंगे 27 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। बॉल मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, देखिए इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, बॉल मिल है ये BOLL, बॉल मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंपैक्ट, कंप्रेशन, एट्रिशन या एट्रिशन एंड इंपैक्ट, तो बॉल मिल जो होता है वो काम करता है किस पे, इंपैक्ट एंड एट्रिशन पे, इंपैक्ट एंड एट्रिशन पे। 28 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। विच वन ऑफ दीज मिल इज यूज्ड फॉर गेटिंग वेरी फाइन पाउडर ऑफ विटामिन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि
किस मिल का इस्तेमाल करेंगे वेरी फाइन पाउडर प्राप्त करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा फाइन पाउडर प्राप्त करने के लिए, किसका, विटामिन का, वेरी फाइन पाउडर विटामिन का अगर आपको प्राप्त करना तो किस मिल का इस्तेमाल करेंगे, बॉल मिल आ जाएगा, हैमर मिल आ जाएगा, फ्लूड एनर्जी मिल आ जाएगा या रोलर मिल आ जाएगा। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। द राइट आंसर इज फ्लूड एनर्जी मिल, फ्लूड एनर्जी मिल का इस्तेमाल करिए अगर आपको प्राप्त करना है वेरी फाइन पाउडर ऑफ विटामिन। फिर 29 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। रोलर मिल यूज्ड फॉर माइलिंग ऑफ ऑइंटमेंट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, देखिए जो रोलर मिल इस्तेमाल किया जाएगा माइलिंग में, किसकी प्रिपरेशन में, ऑइंटमेंट की प्रिपरेशन में, अगर आपको ऑइंटमेंट बनाना है, ऑइंटमेंट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, रोलर मिल यूज्ड फॉर माइलिंग ऑफ ऑइंटमेंट, अगर रोलर मिल का इस्तेमाल माइलिंग करना हो ऑइंटमेंट की तो वो किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, इंपैक्ट पे, एट्रिशन पे, इंपैक्ट एंड एट्रिशन पे या नन ऑफ द अबव। तो द राइट आंसर इज एट्रिशन, एट्रिशन पे काम करेगा जाकर के रोलर मिल जब इस्तेमाल की जाएगी माइलिंग ऑफ ऑइंटमेंट के लिए। 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। विच वन ऑफ दीज मशीन डज नॉट कंटेन एनी मूविंग पार्ट, इनमें से कौन सी एक ऐसी मशीन है जो कि किसी भी तरीके का कोई मूविंग पार्ट नहीं कैरी करता है, डिसइंटीग्रेटर, बॉल मिल, फ्लूड एनर्जी मिल या कोलाइडर मिल। तो द राइट आंसर इज फ्लूड एनर्जी मिल, चूंकि आप सभी लोगों ने फ्लूड एनर्जी मिल देखा होगा, वो इस तरीके से होती है, ये हो गया और ये हो गया, इस तरीके से आपकी होती है फ्लूड एनर्जी मिल। तो यहाँ से जो है प्रोडक्ट जाता है, इस तरीके से प्रोडक्ट जाएगा और घूम घूम करके जो है आपस में टूट जाता है, ठीक है, यहाँ से जो है एयर जाती है। तो ये हो गया आपका फ्लूड एनर्जी मिल, इसमें किसी भी तरीके का कोई मूविंग जो है हम लोग पार्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चंस। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।